स्वीप योजना के तहत 100% मतदान के प्रति जागरूकता और नए मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमान संभाल ली है, जिसके चलते सहायक निर्वाचन आयोग व एसडीएम चंबा दीप्ति मडोत्रा की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान के तहत एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से चंबा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जागरूक किया जाएगा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला चंबा निर्वाचन आयोग ने भी कमान संभाल ली है, जिसके चलते बुधवार को सहायक निर्वाचन आयोग एवं एसडीएम चंबा दीप्ति मंडोत्रा की अध्यक्षता में चंबा के जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। इस दौरान आयोग द्वारा हर बूथ में 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा दीप्ति मंडोत्रा ने कहा कि 100% मतदान तभी संभव है जब हर चुनाव ड्यूटी कर्मी और अधिकारी सौंपे गए काम को 100% निर्वहन करें। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि वो निर्वाचन की आखिरी तारीख से पहले पहले अपने मतदान पहचान पत्र को बनवा लें, ताकि सभी मतदाता देश की सरकार को बनाने में सहयोग दे सकें। चंबा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु एक वैन का फ्लैग ऑफ किया गया है। इससे हम लोग न केवल मतदाताओं को वोट करने के लिए, अपितु जो एलिजिबल लोग हैं अभी तक उनके वोट्स नहीं बने हैं, उन लोगों को भी अपना मत बनवाने के लिए हम उनका आग्रह कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो 19 मई को मतदान होना है, उसके उस दिन मतदान करने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं। तो स्वीप के तहत कैंप्स आयोजित कर रहे हैं, लोगों को EVMs और VVPATs प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, ताकि मतदाता जो है इस बारे में जागरूक हों और वो अवेयर हों इन सब चीज़ों के बारे में। नॉमिनेशन से पहले तक वोट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है थोड़ा पहले, जितने जल्दी कोई मतदाता अप्लाई करेगा उतना ही बेहतर रहेगा। इसलिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपना वोट जो है बनाए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।